अभी रात के बज रहे हैं 3 और 3 बजे आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने ब्लॉग में। खुश आमदीद आप लोगों का एक नए ब्लॉग के साथ। तो यार ऑफिस से ऑफ हो गया, मैं बस उठा लू अपना लंच। Here we go. Now, it's your boy Vasisha. और अभी हो रहा है काइंड ऑफ हमारी रात का आगाज, और आपको बताता हूँ कि रात में हमारी रूटीन ज़रा किस किस्म की होती है। और कल दिन है जुमे का, तो देखते हैं कि जुमे के दिन क्या क्या एक्साइटेड चीज़ें होती हैं। लेट्स गो। तो यार कहते हैं ज़िंदगी में मसले नहीं ख़त्म होने वाले, और मेरी ज़िंदगी में रात के 3 बजे एक मसला आ गया। मैं बाइक पे हूँ और मेरे बाइक का टायर फ्लैट हो गया, और अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। ये देखो यार, बाइक का टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया है। यार मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसी तरह किसी तरह घर पहुँचा लूँ, पर घर यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर दूर है और नुकसान है। मैं बड़े नुकसान से अगर बचना है तो मुझे थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पंक्चर कहाँ से लगेगा। Look how funny. I'm looking. जो मुझे दूर से देख रहा होगा वो कह रहा होगा इसको क्या हो गया, ये पागल हो गया है। पर ये देखो यार मेरी मजबूरी है। सर जी पंचर वाला कहाँ पे? पेट्रोल पंप पे होगा। ओके मेरे पास जैज कैश में कुछ पैसे पड़े हैं, देखता हूँ यार जैज कैश से रिसीव करते हैं। प्यारे सर जी, सोने भाई, ओ प्यारे भाई, हाँ खड़ी रही है 9 घंटे 10 घंटे हो गए खड़ी हुई को। किसी ने हरकत की हो सकती है ना। ये भी तो हो सकता है जब मैं ऑफिस आ रहा हूँ तब रास्ते में कहीं पंचर हो गई हो। कितने पैसे दो यानो? कितने पैसे दो? हाँ ओ यार लव हो गया यार, कोई पैसे नहीं लिए यार लड़के। हाँ तो यार पंचर लगवाने का प्लान हमने एक दफा कर दिया है कैंसिल, और अभी हमने सिर्फ हवा डलवा ली है, और हम देखते हैं कि ये घर तक पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कुछ करते हैं। यार रातों को जॉब करने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस पे एक पूरा व्लॉग बन सकता है, मैं किसी दिन इस पे पूरा व्लॉग बनाऊंगा, और जिसका टाइटल होगा लिविंग इन बोथ टाइम जोन्स, दोनों टाइम जोन्स में जिंदा रहना। तो दिन में भी जिंदा रहना है, रात में भी जिंदा रहना है। सो इट्स अ मच डिफिकल्ट जॉब यार। हाँ हाँ मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तो यार वो जो फ्लैट टायर था वो यार यहाँ तक नहीं पहुँचा घर तक। हवा मैंने भरवा ली थी, मैंने कहा शायद घर पहुँच जाए, पर वो घर नहीं पहुँचा। हेलो तुम्हें कह रहा हूँ, मैंने वहाँ से हवा दिलवाई है, मैंने कहा शायद घर पहुँच जाए ना, शायद किसी ने हरकत की हो, पर वो नहीं पहुँचा। यहाँ पर आके फिर वो दोबारा फ्लैट हो गया, अब सुबह ही उसका कुछ करेंगे। तो यार अभी नीचे पहले तुम लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि दिखाने का कुछ खास फायदा था नहीं, लाइट नहीं थी नीचे। तो यार इस दिन का आगाज भी हर दिन की तरह नमाज के साथ ही होता है। वहां से मैंने हवा भरवाई थी आपके सामने, और यहाँ पे लाके मैंने कहा शायद मे भी हो सकता है किसी ने हवा नहीं गा दी, ऑफिस में या पंगे लेता रहता है, मैंने सोचा शायद उसने ये हरकत की है, बट वो यहाँ पे आते तक वो खत्म हो गया, उसकी हवा खत्म हो गई यहाँ पे आते तक। तो यार घर पहुंचा हूँ, और घर आते ही नमाज पढ़ी है और चेंज की है, तो अब हमारा टाइम हो गया बस तकरीबन सोने का राउंड अबाउट। और अब मेरा प्लान है कि बस टीवी देखता हुआ या कुछ वीडियो देखता हुआ स्क्रॉल करता बस सो जाऊंगा, और सुबह उठते हैं और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो अभी मैं किचन में खड़ा होकर ब्लॉग कर रहा हूँ, और आप लोग सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि वहाँ पे कूलर चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है काफी, और मैं बेगम मोहतरमा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता अपने व्लॉग्स के चक्रों में। तो यार अपना ख्याल रखें, सुबह तक के लिए मिलते हैं। अरे यार ये सुबह सुबह कैसी फीलिंग आने लग गई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आज का दिन शुरू हो गया, एक ही ब्लॉग का दूसरी दफा आगाज करते हैं। आज का दिन स्टार्ट हो गया है, बट द सैड पार्ट इज कि मैं सुबह पढ़ने नहीं जा सका, एंड द रीजन बिहाइंड दैट
रात को जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जलालत बहुत ज़्यादा होगी और मुझे घर पहुंचते भी काफ़ी लेट होगी। और फिर उसके बाद ये है कि मैं जब आके सोया और फिर मेरी सुबह आँख नहीं खुल सकी, इवन कि मुझे वाइफ ने जगाया भी था बट मैं नहीं जागा। सो द थिंग इज़ दैट कि आज ये फर्स्ट ऑफ ऑल दो एक दो काम हैं, उनमें से एक बेसिक काम है जो कि बाइक को पंचर लगवाना है सबसे पहले, और उसके लिए जाना पड़ेगा पैदल, चलते हैं। पर यार करंट फीलिंग अगर मैं तुम लोगों को बताता जाऊँ तो वो ये है कि मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। इवन कि मेरा दिल कर रहा है मैं आज ऑफिस से भी ऑफ ले लूँ, बट या हम ऐसा तो नहीं करेंगे। बट ये है कि अभी कुछ देर तो मैं हिलना नहीं चाहता, मैं आराम करना चाहता हूँ, सुकून करना चाहता हूँ। वैसे भी वीक का एंड आ रहा है, कल सैटरडे है, मेरा हाफ डे है, देन उसके बाद फिर वीकेंड में इंशाल्लाह आराम करेंगे। तो फीलिंग के मुताबिक तो आज फुल टट्टी फीलिंग है। तो यार सुबह तो कहाँ पे है यार, लंच का टाइम है और अभी इस टाइम से चल रही है बिरयानी। अच्छी है यार, अच्छी। हाँ तो यार ऑफिस का टाइम होने वाला है, अब चलते हैं, पहले पंचर लगवा के आते हैं बाइक का। और बाहर धूप भी बहुत तेज है, चलते हैं। वैसे तो एक दो और काम भी हैं, ये है कि अभी जो सिर्फ किया जा सकता है वो है कि हम पंचर लगवा दें फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बगैर और कुछ नहीं हो सकता। ये देखो यार बिल्कुल ही बाइक, अब मैं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर बैठ के चला जाऊं पीछे, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीन है ऐसा। हाँ तो यार अब तकरीबन तैयार हो गए हैं और ऑफिस जाने की तैयारी है। आज फ्राइडे है तो ज़रा थोड़ा कैजुअल आउटफिट है, तो यही रूटीन होती है जब आप शाम में काम करते हैं और रातों में काम करते हैं, तो फिर इसी तरह ही होता है, दिन और रात का हिसाब किताब लिखाना ज़रा मुश्किल होता है। पर बावजूद उसके हम फिर भी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकें और फैमिली को लेके चल सकें। बाकी ये है समटाइम्स दिल नहीं करता काम पे जाने का और तबीयत ख़राब होती है जब नींद पूरी ना हो सही तरह से, तो मसला होता है। बट आफ्टर ऑल दो दिनों बाद वीकेंड है और वीकेंड पे एंजॉय करेंगे, सोएंगे, रिलैक्स करेंगे। यार ऑफिस जाने में अभी पड़े हैं तकरीबन 30 मिनट, और 30 मिनट तक मैं निकलूँगा ताकि ऑफिस टाइम से पहुँच सकूँ। और अभी बेगम ने बनाया कस्टर्ड जो कि मैंने इसी फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रखा है, तो वो खाएंगे। बट द थिंग इज दैट कि संडे आ रहा है, संडे के व्लॉग देखने वाले होते हैं और ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।